कोई ने पूछा, मीरा ने बहुत भक्ति की, लेकिन उनका मंदिर क्यों नहीं बना? भक्ति करने से मंदिर बनता है, कि भगवान का ज्ञान सुनने से मंदिर बनता है? मंदिर उनका बनता है यादगार, जो बाप का ज्ञान सुनकर बहुत सेवा करते हैं पवित्र दुनिया स्थापन करने की। भक्ति तो रावण की मत पर होती है द्वापर युग से, मीरा ने भी कौन से युग में भक्ति की? द्वापर में नहीं, कलयुग में भक्ति की। भक्ति के फल से कोई स्वर्ग नहीं मिलता है, कोई देवताएं नहीं बन जाते हैं। ये तो ज्ञान है, ज्ञान भगवान से आता है। जिस ज्ञान से नर से नारायण जैसे बनते हैं, नारायण जैसे जो देवताएं बनते हैं, नारी लक्ष्मी जैसी जो देवियां बनती हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं। तो मीरा ने जो भक्ति की है वो तो कलयुग में की है, और भगवान बाप तो संगम युग में आते हैं। उस मीरा की भक्ति का फल संगम युग में मिलता है कि वो रुद्रमाला का मणका बनती है, जगदम्बा के रूप में भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। और अभी मेरी में बोला है आगे चल के दुखों की पहाड़ गिरेंगी और तुम फरिश्ता बन के मध्य में रहोगे, तो सिर्फ आठ के लिए बोला गया? दुखों के पहाड़ उनके लिए गिरेंगे जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा। जो मौज में तुम रहेंगे, तुम मौज में रहेंगे जो पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो उसकी संख्या कितनी होगी? 4.5 लाख गिने जाएंगे या 4.5 लाख प्रजा होगी या 4.5 लाख राजाएं होंगे पुरुषार्थ करने वाले? प्रजा होगी। प्रजा भरी ढोती है या राजा ही करती है? बड़ी होती है। प्रजा बनने का पुरुषार्थ बाबा कराने आया है या राजा बनने का पुरुषार्थ कराने आया है? जो राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान और योग सीख रहे हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करते हैं, वो प्राप्ति करते हैं भगवान से। और राजा तो 108 बन गए। राजा 108 बनेंगे तो 108 ही मौज में रहेंगे। नंबर वार उनमें भी 9 ग्रुप हैं। फर्स्ट क्लास ग्रुप कौन सा है? सूर्यवंशियों का। और तो वही फिर 8 ही आ गए ना? हाँ जी, सजाए नहीं खावेंगे का मतलब क्या है? कितने हैं जो सजाएं नहीं खावेंगे? 8 नहीं सजाएं खावेंगे, बाकी तो कुछ न कुछ जो दुखों के पहाड़ गिरेंगे उन पहाड़ों के बीच में चकनाचूर होंगे ना। और
भवन मुरली में कहा है कि मैं ड्रामा के साथ बंधाए मान हूं, तो हम सभी आत्माएं बंधे हैं, बंधाए मान हैं, तो बाबा आपको ड्रामा के साथ किसने बांधा? तो किसने बांधा माने कब बांधा? ये ड्रामा तो अनादि है, इसकी आदि होती नहीं है, अंत भी नहीं है, अनादि काल से चलता चला आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, तो उसको बांधने वाला कौन है? बाबा खुद बंधा हुआ है ड्रामा के चक्र में। बाबा ड्रामा बना कैसे? अरे फिर वो फिर बनाया किसने? ये तो बेसिक नॉलेज का प्रश्न है, जो बेसिक नॉलेज में होते हैं उनके लिए ये प्रश्न है कि सृष्टि अनादि है या सृष्टि की आदि होती है, आत्मा अनादि है या आत्मा की आदि होती है, परमात्मा अनादि है या परमात्मा की आदि होती है। ना आत्मा की आदि होती है, ना परमात्मा की आदि होती है, नहीं सृष्टि चक्र की आदि होती है। ये तीनों चीजें अनादि हैं और अनंत काल तक चलती है, इनका आदि नहीं है, अंत नहीं है। और बाबा अभी आपने बताया अष्टदेवसदा निखरेंगे है, अष्टदेवसदा निखरेंगे, अष्टदेव सदा निखरेंगे हाँ, और सब दुखों सबके दुखों के पार गिरेंगे, साढ़े चार लाख आत्मा तो ऐसे दुखा है, साढ़े चार लाख आत्मा दुखी नहीं, साढ़े चार लाख आत्माएं प्रजा वर्ग की है, है? हाँ बीज तो है, लेकिन बीजों में भी किसी में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है पाप कर्मों का और कोई में हल्का छिलका चढ़ा हुआ है, तो कौन सा छिलका जल्दी उतरेगा? जिनका हल्का छिलका है वो जल्दी उतर जाएगा, जिनका मोटा छिलका है ज्यादा डंडे लगेंगे तब उतरेगा। और डंडे लगने का अर्थ क्या है? छत्ते डंडे लगेंगे या कैसे? डंडे लगने का अर्थ क्या है? अभी भी ज्ञान के डंडे लग रहे हैं, तो समझ लो जिनको ज्ञान के डंडे हटके ज्यादा आते हैं, दिल अंदर ज्यादा खाती है, वो स्थूल डंडे भी धर्मराज के खाएंगे और शरीर धारण करा के सजा देंगे, ऐसे नहीं सूक्ष्म संकल्पों से खलास हो जाएगा, ऐसे भी नहीं कि अकाले मौत में कोई शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म शरीर धारण करके सजा खावेंगे, नहीं, वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों को भी कोई शरीर में प्रवेश करा के सजा दी जाएगी। और तो बाबा जिसके शरीर में वो आत्मा को प्रवेश करा के सजा देंगे, तो जिस शरीरधारी की जो व्यक्ति का जो आत्मा है वो उस टाइम निकल जाएंगे? नहीं, तो वो भी उस शरीर में रहेंगे उस टाइम? उन दोनों का कनेक्शन है, उनको भी तो शरीरधारी को दुख फीलिंग होगी ना? तो उनको भी होगा। और गुलजार दादी में दादा लेखराज प्रवेश करते हैं, तो गुलजार दादी को बाद में तकलीफ होती है कि नहीं? तो ऐसे ही है। और तो जैसे काम किया घर में काम करते हैं, जैसे जयपुर में मंदिर है तत्कालेश्वर महादेव मंदिर है, तत्कालेश्वर हाँ, इसका तत् माने उसी उसी काल में ईश्वर बन गया, जिस काल में संपन्न पुरुषार्थ किया उसी काल में ईश्वर बन गया, तो नाम पड़ गया तत्कालेश्वर, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, उस सेकंड का गायन हुआ तत्कालेश्वर। जनाधर महादेव मंदिर, जनाधर 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 महादेव मंदिर,
हाँ जगाधर, हाँ जग को धारण करने वाला धराधर, जगाधर नहीं, हाँ धराधर विनाश कराएगा। बाबा ये नाम भी तो हम बच्चों ने तो रखे हैं, बच्चों ने तो रखे ना मंदिरों के नाम कि तत्कालेश्वर और कंठेश्वर और भूतेश्वर। अरे तो काम भी हम बच्चों ने देखा है कि कोई दूसरे ने देखा है? भगवान जब आते हैं तो भगवान के किए हुए कामों को हम बच्चे ही देखते हैं कि दूसरे धर्म के लोग देखते हैं? है अभी संगम युग में कौन देखता है? हम बच्चे ही देखते हैं, तो हम बच्चों ने ही नाम रखे हैं और हम बच्चे ही नाम जपते हैं, नाम की महिमा गाई हुई है। लेकिन भक्ति मार्ग में ये समझते नहीं है कि नाम की महिमा के पीछे कारण क्या है। अब समझते हैं कि नाम के पीछे कारण है काम, जो काम और दूसरे नहीं कर सके वो काम उसने करके दिखाया जिसका नाम पड़ गया। ये धड़ाधर और तत्कालेश्वर जो बोल रहे हैं ये उनमें तो नहीं है, ग्रंथों में तो नहीं है? ग्रंथों में तो सब कुछ है, तुमने सारे ग्रंथ पढ़े हैं क्या? तो आप तो ऐसे अथॉरिटी से बोलते हैं कि ग्रंथों में नहीं है। ग्रंथ अथा है, अथा मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, कोई एक मनुष्य ने बनाए हैं क्या? बनाने वाले भी ढेर और शास्त्र भी ढेर के ढेर। आपने सब शास्त्र थोड़े ही पढ़ लिए? नहीं, पूजा में जो आते हैं वो तो नहीं है ये। पूजा में जो आते हैं वो मुख्य मुख्य वो हैं जो व्यास ने तैयार किए हैं शास्त्र, क्योंकि व्यास की मान्यता ज्यादा है तो उनके द्वारा शास्त्रों में जो कर्म कांड दिखाए गए हैं उनको उनको लोग ज्यादा जानते हैं। और बहुत किसको लगा जाता है, ये है भी बाबा समझाते हैं, श्री बाबा तो तब होता उनको भोग लगता नहीं, ये है भोग लगता है संपूर्ण मम्मा बाबा को है, ये भोग लगता संपूर्ण मम्मा बाबा बाबा को भोगता मम्मा बाबा। नहीं जी, ये बोले ये भोग लगता है संपूर्ण मम्मा बाबा को। हाँ, प्रश्न है संपूर्ण मम्मा बाबा किसको कहेंगे? हाँ संपूर्ण मम्मा मम्मा बाबा भी जाएंगे अंदर, बच्चे भी गहमा समझाएंगे, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गई, परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। अंत में माने अंत में जब विष्णु फरिश्ता बनेंगे तब ही अंत होगा, अभी थोड़े ही। एक बोले तो संपूर्ण हो गया, ये संपूर्ण संपूर्ण वो हो गया जिसमें मिक्स होकर के संपूर्ण विष्णु बनेंगे। अभी जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के चार मुख गाए हुए हैं, चार भुजाएं तो नहीं गाई हुई है। ज्यादा मुख होना अच्छा है या ज्यादा भुजाएं होना अच्छा है? रावण को अनेक मुख होते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता, और विष्णु को अनेक मुख नहीं है, भुजाएं ज्यादा हैं। भुजाएं माने सहयोगी, और मुख अनेक होना माने अनेक प्रकार की बातें करना। तो अनेक प्रकार की बातें करना अच्छा है या एक बात करना अच्छा है? इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और विष्णु की पूजने की पूजा होती है। और बाबा संपूर्ण मम्मा बाबा प्रजापिता को और वैष्णवी देवी को कहेंगे क्या? प्रजापिता को और वैष्णवी देवी को, प्रजापिता और वैष्णवी देवी को संपूर्ण मम्मा बाबा कह सकते? प्रजापिता अधूरा है या संपूर्ण है? जब तक प्रजापिता नाम है तो अधूरा है। हाँ, जब संपन्न पुरुषार्थी होगा तो कहा जाएगा। तो वैष्णवी देवी को बाबा को कहेंगे ना? वैष्णवी देवी संपन्न स्टेज का नाम है, प्रजापिता अधूरी स्टेज का नाम है। सारी प्रजा अधूरी है तो प्रजापिता भी अधूरा है। लेकिन पुरुषार्थ जब
संपूर्ण हो जाएगा तो इन दोनों के लिए लागू होती है। वैसे भी देवी के लिए लागू होता है संपन्न स्टेज, प्रजापिता शब्द के लिए संपन्न नहीं कहेंगे। जैसे ये प्रश्न आया ना संपूर्ण मम्मा बाबा होगा, इन दोनों के लिए लागू होते हैं ना। संपूर्ण मम्मा बाबा तब कहेंगे जब ब्रह्मा जो अधूरा है वो संपूर्ण ब्रह्मा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ से मेल खा जाए अर्थात विष्णु बन जाए तब कहेंगे संपन्न। तो ये भोग तो बाबा आदि में लगता था ना, भोग तो भक्ति मार्ग में भी लगाते रहे, भोग अभी नहीं ब्रह्मा कुमारियां लगा रही है, ब्रह्मा कुमारियां अभी भोग नहीं लगा रही है, तो फिर संपूर्ण मम्मा बाबा को लगाती है या अधूरे को लगाती है? हाँ जी, और बाबा मनसा सेवा में क्या संकल्प चलने चाहिए, मनसा सेवा की विधि क्या है, मनसा सेवा कौन सी इंद्रिय से होती है, है मन से होती है, मन प्रधान इंद्रिय है इंद्रियों के बीच में, और उसके लिए मन की एकाग्रता बहुत जरूरी है, मन की एकाग्रता के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करने के लिए वैराग बहुत जरूरी है, इस दुनिया से वैराग आता जाएगा उतना उतना मन एकाग्र होता जाएगा। जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ है मनसा सेवा का रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो बैरग की कथा पे आएगा, बैरग की कथा पे आएगा, बैरग दुनिया की जो बैरा है ना उसके किस आधार पे आएगा? हमेशा बुद्धि में ध्यान रखो ये दुनिया मरी पड़ी है, अब नहीं तो 25 वर्ष के बाद खेल खलास, कुछ भी नहीं बचेगा। अब जो पहले से बैराग धारण कर लें वो फायदे में रहेंगे, या 25वें वर्ष में जाकर के वैराग धारण करेंगे वो फायदे में रहेंगे। मनसा पहले एकाग्र किसकी होगी? जो पहले से वैराग धारण करके मनसा को एकाग्र कर लेंगे वो फायदे में रहेंगे, अभी से ही उनके मन के संकल्पों की सिद्धि होने लगेगी। मन के संकल्पों की सिद्धि होना माना ब्रह्मा की स्टेज पर पहुंच जाना, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची तो श्रेष्ठ आत्माएं भी संकल्पों से सृष्टि रचेंगी। कितना फायदा हो जाएगा, अभी जो हम सेवा कर रहे हैं वो भागदौड़ की सेवा है, कर्मेंद्रियों की सेवा है, वाचा की सेवा है, वो वाचा की सेवा से दुनिया में आवाज फैल रही है, या मन के संकल्प जब केंद्रित हो जाएंगे संकल्प सिद्धि हो जाएगी तब संसार में आवाज फैलेगी। मन प्रधान है, मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। मन कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं आवेगी। इंद्रियों से जब जो काम करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो नहीं करें, नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है। कहां करना है कहां नहीं करना है ये बुद्धि का फैसला है,
बुद्धि का काम है मन को कंट्रोल करना, मन का काम है इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियां भी दो प्रकार की हैं, एक श्रेष्ठ इंद्रियां और एक भ्रष्ट इंद्रियां। और बाबा जैसे अकाल मृत्यु हो जाए, बाकी जगह मिले है? अकाल मृत्यु हो जाए कोई की, तो फिर वो आत्मा को जगह मिले, जगह मिले दूसरा यूनि में ही, जगह माने जन्म मिले। जिसकी अकाल मौत हो जाती है उसे कुछ न कुछ समय अपने कर्मों के हिसाब किताब से सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, भूत प्रेत का शरीर धारण करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। जैसे अच्छी आत्मा देव आत्मा है, अच्छी आत्मा जो है वो कभी भी भूत प्रेत नहीं बनती, अकाल मौत के काम नहीं करेगी, उसकी हत्या नहीं हो सकती, किसी की हत्या नहीं कर सकती। देवात्मा नहीं कहेंगे उसे जो हत्याएं करते हैं या जिनकी हत्या होती है, हत्या की होगी तो हत्या होगी। पूर्व जन्म में जिन्होंने हत्या की ही नहीं, ऐसा जघन्य कर्म किया ही नहीं, उनकी हत्या क्यों होगी? अकाल में तो बाबा ये लिखी हुई है। हम अपने कर्मों से अपने आप लिखते हैं कि कोई लिखता है बैठ के? भगवान लिखते हैं। भगवान किसी को अच्छा लिख देते हैं, किसी को बुरा लिख देते हैं, हैं? अरे हम जैसे कर्म करते हैं वैसा स्वतः ही हमारी आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। ये तो कहा जाता है भगवान ने लिख दिया, ये तो भगवान के ऊपर दोष देना हो गया। भगवान तो न किसी का अच्छा करता है न किसी का बुरा करता है, भगवान तो आकर के सिर्फ एक रास्ता बताता है, ऐसा कर्म करने से ऐसा रिजल्ट होगा, वैसा कर्म करने से वैसा रिजल्ट होगा। कर्मों की गुह्य गति बताने का काम है भगवान का, आत्मा और परमात्मा का परिचय देने का काम है परमात्मा का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताने का काम है परमात्मा का, ज्ञान देने का काम है परमपिता परमात्मा का। बाकी जो उल्टे कर्म सिखाते हैं वो मनुष्य सिखाते हैं, मनुष्य गुरु। बाबा जैसे कोई विपरीत कर्म होता है उसमें कुछ याद बाबा की होती है, जो भी कोई गलत काम होता है तो उसमें जैसे 5 मिनट गलत काम हुआ तो कम से कम 1 मिनट बाबा की याद होती है, 1 मिनट जो होती है उसमें पाप कर्म बढ़ता है। इस जन्म की बात है जबकि भगवान मिल गया या पूर्व जन्म की बात? इसी जन्म की बात, इस जन्म की मिलने की बात। जिनको भगवान मिल चुका, हाँ, पाप कर्म कर लिया और भगवान को बताया नहीं तो 100 गुना बोझा चढ़ेगा या घटेगा? कोई कहे हम पाप कर्म करते रहे और भगवान को याद करते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा दूसरी आत्मा पाप कर्म करवा देती है, दूसरी आत्मा पाप कर्म करवा देती है तो पूर्व जन्म में आपने उसको पाप कर्म करवाया होगा, बिना हिसाब किताब के कैसे करवा देगी? दूसरे के ऊपर वजन रख दो। बाबा शंकर को फरिश्ता बहुत कम उसके का दिखाते हैं, शंकर का फोटो रिश्ते उसमें। अच्छा, फरिश्ता किसे कहते हैं? फरिश्ता की परिभाषा मालूम है? फरिश्ता की दुनिया से रिश्ता ना हो। हाँ, तो इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, इनके चेहरे देखे ध्यान से, इनकी बुद्ध रूपी पांव
इस दुनिया में दिखाई पड़ता है या ऊपर देखने में आता है? तो वो फरिश्ता है, शंकर को निराकारी स्टेज में नहीं देखते। मंदिर है बिड़ला मंदिर, कोई बात इसमें नीचे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, छत के ऊपर शंकर को फरिश्ता रूप में दिखा रखे हैं। हाँ, जो मंदिर तो क्या? उसका अर्थ यह है ऊंची स्टेज में रहते हैं बुद्धि से। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में दिखाए हैं और ऊपर छत में देवताओं के चित्र दिखाए हैं। कोई छत में होने की बात थोड़ा ही है, ये तो बुद्धि से ऊंची स्टेज में रहते हैं। संगमयुगी देवताई स्टेज की बात है, संगमयुगी नरसे नारायण बनने की बात है। सतयुग में देवताएं अलग होंगे, उनसे भी जास्ती ऊंची स्टेज होती है संगमयुगी देवताओं की। वो पहले फरिश्ता बनते हैं, बाद में देवता। बाबा एक शायद की मालूम सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश आता है, तो लास्ट खबर तक क्यों बता रहे हैं चंद्रमा? जगदम्बा को सूर्यवंशी माने रुद्रमाला, चंद्रवंशी माने पहली विजयमाला, जिसमें रुद्रमाला के मणके ऐड नहीं होते हैं। कन्याकुमारी की मंदिर नीचे और राधाकृष्ण की मंदिर जो ऊंची स्टेज पे दिखाया, क्या कारण है? कन्याकुमारी की जो मूर्ति है वो बहुत नीचे और राधाकृष्ण देवी का बहुत चोटी के ऊपर दिखाया है। हाँ, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, तो अंदर वाले कन्याएं उसमें ज्यादा हैं या माताएं ज्यादा हैं? हैं, कन्याएं ज्यादा हैं और बाहर वालों में माताएं ज्यादा हैं। तो बीके में जब परीक्षा हुई 76 में, तो रिजल्ट क्या निकला? बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए, अंदर वाले माने सरेंडर। ऐसे यहां भी होना है, सबके साथ नहीं होना है, लेकिन बहुत हैं जिनके साथ ऐसा ही होगा। पुरुषार्थ की बात है। और तो बाबा बाहर वाले को तो अरब देवी को बता दी, बाहर वाले हो गए ना। हाँ, तो मेरी मुरली में बोला है ना कि एक को देख के ही तो सारे जगह में कन्या सरेंडर हुई, पहले जगदम्बा हुई उसको देख के ही तो सब दूसरे हुए। हाँ, सरेंडर तो हुए, लेकिन सरेंडर होने के बाद निभाने पर नंबर बनते हैं या सरेंडर होने पर नंबर बनते हैं? निभाने पर बनेंगे। जगदम्बा ने निभाया कितना और लक्ष्मी ने निभाया कितना, सरेंडर दोनों होंगी। ज्यादा कौन निभाता है? हैं, जगदम्बा ज्यादा निभाती है। जगदम्बा है उसका नाम, तो सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? तो सारे जगत में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, आर्य समाजी, नास्तिक सब आ जाते हैं। सबको गोदी में पालना करेगी कि सिर्फ सूर्यवंशियों की पालना करेगी? और सबको गोद में पालना करेगी तो सब जो हैं वो सूर्यवंशियों की औलाद हैं या अलग अलग वंशी बाप हैं? तो अलग अलग वंशी जो बाप हैं उनका कनेक्शन जगदम्बा से हो गया ना, सारे जगत वालों का कनेक्शन जगदम्बा से हो गया। और अंदर जो बहने सरेंडर है, अंदर जो बहने सरेंडर है ना, बहरे बहने बहने बहने, हाँ, जो बोला है कि उसको जगदम्बा की हैंड्स बनेगी, तो उनको क्या बाहर वाले कहेंगे? बाहर वाले क्यों कहेंगे, वो तो सरेंडर हो गए, तो अंदर वाले हैं। तो उनको हैंड्स में भी तो कोई राइट या हैंड्स है, कोई लेफ्ट हैंड है, सो पता नहीं है। तो फिर जो राइट या सहयोग देंगे उनका राइट या पद बनेगा,
जो लेफ्टिस्ट सहयोग देंगे उनका लेफ्टिस्ट पद बनेगा। तो उनको वो बाहर वाले की लिस्ट में आएगी या अंदर वाले की लिस्ट में आएगी? वो बाहर वाले की लिस्ट में आएगी या अंदर वाले की लिस्ट में? निभाने के ऊपर है, नंबर बाहर निभाने में है। हैंड्स एक जैसे हैंड्स नहीं है, कोई ऊपर के हैंड्स हैं, कोई नीचे के हैंड्स हैं। राइटियस में भी दो तरह अनेक प्रकार के हैं। राइटियस में भी कोई बहुत ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले हैं, और बिल्कुल जैसे जगदम्बा जैसे होने चाहिए, परसेंटेज में होंगे सब, नंबर बार होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। प्योरिटी तो ज्यादा है नहीं है, भगवान बोला ना जो वैष्णो देवी है प्योरिटी तो ज्यादा है ना, वो लंबे समय की प्योरिटी है। लंबे समय की प्योरिटी का मतलब 84 जन्म एक से कनेक्शन है, और 84 जन्मों में अलग 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 आत्माओं से कनेक्शन हो गया। साजन सजनी का संबंध जो बहुत गहरा होता है, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा प्योरिटी में? फर्क पड़ जाएगा। तो वैष्णो देवी बाबा अंदर वाले कहीं है बाहर वाले हैं? वैष्णो देवी क्या कहीं इसमें? वैष्णो देवी अंदर वाली है, लेकिन अंदर वाली होते हुए भी प्योरिटी की वजह से सबसे आगे जाती है। अव्वल नंबर राइटियस ऊंचे से ऊंची भुजा है। और कर्म बन रहे हैं नहीं लिखवे में आ रहे हैं, वो लिखवे में नहीं आ रहे कर्म जो हमसे गलत बन रहे हैं। आप कर्म बन रहे हैं लेकिन लिखने में नहीं आ रहे हैं। तो जैसे हम घर लिख के नहीं है, घर लिख के नहीं अपना पोता मेल देते हैं है? रोज लिखते हैं, जैसे रोज लिखते हैं लेकिन वो पहुंच जाएगा गलत पर। अच्छा, माने बाबा का साकार में आना बेकार हो गया। बाबा साकार में क्यों आता है? एक है साकार और एक है निराकार, उसमें अंतर्यामी कौन है और बहिर्यामी कौन है? अंतर्यामी ऊपर वाला और बहिर्यामी नीचे वाला साकार। तो बहिर्यामी को कैसे पता चलेगा अगर लिख करके नहीं दिया तो? वो तो साकार के बगैर कोई कार्य ही नहीं करता। वर्षा भी देगा तो किसके द्वारा देगा? साकार के द्वारा, उसको लिख के दिया ही नहीं, छुपा लिया। जो साकार है वो तो सब पढ़ते नहीं है, जैसे मालूम पोता मिल दिया गया बाबा, सब थोड़ी पढ़ते हैं। अच्छा, वो नहीं पड़ता है तो नदियों में तो डाला जाता है। सागर से नदियां कनेक्टेड हैं या नहीं है? जब कनेक्टेड हो जाएंगी तो सारा कचरा कहाँ जाएगा? अंततः सागर में ही जाएगा। वो भी जब आखिरी विनाश होगा, प्रलय होगी, आखिरी जब बरसात होगी मूसलाधार, तो कहाँ जाएगा? सागर में ही जाएगा। तुमको क्या इस बात की चिंता? तुमने तो दे दिया कि नहीं दे दिया? बाबा राधा को बरसाने वाली क्यों कहते हैं? देखो, कृष्ण को बरसाने वाला नहीं कहते हैं और राधा को
बरसाने वाला कहते हैं। कारण क्या है? ज्ञान बरसात तो कौन बरसाता है दोनों के मुकाबले में? राधा बरसाती है। कौन सी पावर से? प्योरिटी की पावर से उसके बरसाने का असर हो जाता है। कृष्ण बरसाता है, कृष्ण मुरली बजाता है, कोई असर नहीं होता। लेकिन वो ही ज्ञान जब राधा बरसाती है तो उसका असर हो जाता है। तो कहां की रहने वाली हुई? बरसाने की हो गई। वैष्णवी में, वैष्णवी देवी में शिव प्रैक्टिकल में प्रवेश होता है या नहीं होता है, बताओ? नहीं, नहीं होता है, है? ब्रह्मा है बोलने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला। शंकर का पाठ है समझने और समझाने वाला। और विष्णु का पाठ है प्रैक्टिकल करने और कराने वाला। ब्रह्मा ने जो सहन शक्ति धारण की है वो सहन शक्ति ब्रह्मा की आत्मा ने धारण की या शिव ने प्रवेश किया इसलिए धारण हुई? शिव ने प्रवेश किया इसलिए धारण हुई। शंकर के द्वारा जो समझाने और समझाने का पार्ट हुआ वो शिव के प्रवेश होने के कारण हुआ या शंकर ने समझाया और समझा? है, शिव ने प्रवेश किया। ऐसे ही वैष्णवी देवी ने जो प्रैक्टिकल कार्य किया और सारी दुनिया से कराया, अपने बच्चों से कराया, तो वो शिव ने कराया या उस आत्मा ने स्वयं किया? शिव ने कराया। तो क्या कहेंगे, शिव प्रवेश होता है या नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो ब्रह्मा सु विष्णु कैसे बनता है? ब्रह्मा होगा तब ही विष्णु बनेगा और ब्रह्मा तब होगा जब उसमें प्रवेश करेगा। प्रवेश नहीं करेगा तो ब्रह्मा नहीं होगा। जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। कोई मैं प्रवेश करता हूं सहन करने कराने के लिए, सुनने सुनाने के लिए, कोई मैं प्रवेश करता हूं समझने समझाने के लिए, कोई मैं प्रवेश करता हूं प्रैक्टिकल करने और कराने के लिए। तो प्रवेश हुआ या नहीं हुआ कि बिना ब्रह्मा बने विष्णु बन गया? ब्रह्मा बने तो विष्णु बने, ब्रह्मा नहीं तो विष्णु भी नहीं। भगवान त्रिमूर्ति विष्णु के तो रेखा जा रही है, ब्रह्मा और शंकर से रेखाएं जा रही है, विष्णु से नहीं जा रही। ज्यादा लंबे समय तक किस में प्रवेश किया? फिर ज्यादा मेहनत किसने ली? ब्रह्मा और शंकर ने ज्यादा मेहनत ली और विष्णु ने बहुत थोड़ी मेहनत ली। अरे ज्ञान ज्यादा समझाने की जरूरत किसको है? मैली आत्मा को ज्यादा ज्ञान समझाने की जरूरत है या जो पहले से ही स्वच्छ है उसको समझाने की ज्यादा जरूरत है? जो मैली आत्मा है, वैष्णवी देवी जन्म जन्मांतर की मैली आत्मा है क्या? नहीं, वो तो प्योरिटी के पुरुषार्थ में जैसे पहले से ही खड़ी है। वर्मा शंकर को बैठा हुआ दिखाया। वो पुरुषार्थ में बैठे हुए हैं, वो पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ ज्यादा अलर्ट है या बैठा हुआ ज्यादा अलर्ट है या लेटा हुआ ज्यादा अलर्ट है? बाबा ये बोला है पतित में प्रवेश करता हूँ। हाँ? तो वैष्णो देवी क्या कहेंगे? वैष्णो देवी तो खड़ी है, वो कहाँ पतित है? पतित माने पड़ा हुआ।
नहीं बाबा, प्रवेशता की बात। हाँ, प्रवेशता की बात। प्रवेशता के हिसाब से दुनिया की जो भी आत्माएं हैं वो अंतिम जन्म में गिरती हैं या नहीं गिरती है? वैष्णवी देवी भी दृष्टि के आधार पर, दृष्टि के संग के रंग से ब्रह्मा कुमारियों के बीच में रहते रहते, चंद्रवंशियों के बीच में रहते रहते, दृष्टि का लेन देन करते करते पतित होती है या नहीं होती है? होती है। वैष्णवी तो पतित आत्मा है, पावन पतित। वैष्णवी तो पवित्र आत्मा है, फिर उसमें कैसे प्रवेश करते हैं? अरे परसेंटेज देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? हैं? परसेंटेज देखा जाता है। औरों के मुकाबले दृष्टि से कम पतन होता है या ज्यादा पतन होता है? हैं? प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया वो ज्यादा पतन की स्टेज में पहुंचता है, या सिर्फ ज्ञानेंद्रियों से किया वो ज्यादा पतित स्टेज में है? प्रैक्टिकल में किया वो ज्यादा पतित हो गया, पाप कर्म बन जाता है, कह रहा। और बाबा है गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं और वहां सब ये मान करके बैठे हैं कि शिव बाबा आया हुआ है, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई बाबा? इसका तो आवाज तो होता ही उनको है, इतनी बड़ी गलती ये बिहार में कैसे हुई? किसने की गलती? वहां तो सब ये मान के बैठे हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। वहां एक गलती करते हैं या अज्ञान के आधार पर ढेरों गलतियां कर रहे हैं? उनकी तो गलतियों की बात ही नहीं, अपार गलतियां। वो तो है ही भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में गलतियां ही गलतियां होती हैं या कुछ अच्छा काम भी होता है? भक्ति मार्ग में तो सब गलतियां ही गलतियां। अज्ञान के अंधे हैं तो गलतियां ही गलतियां करेंगे। और वैष्णो देवी को तो कन्या कहेंगे ना? है कन्या? क्या वैष्णो देवी को कन्या कहेंगे? कन्या में प्रवेशता की बात आती है जहां तक। कन्या तो कहेंगे, कन्या में प्रवेशता की बात प्रैक्टिकल के आधार पर आत्मा संपन्न है या असंपन्न है? प्रैक्टिकल कब होता है? प्रैक्टिकल में स्वर्ग कब बनेगा? संपन्न आत्मा के लिए बनेगा या अधूरी आत्मा के लिए बनेगा? तो संपन्न आत्मा है। और है 108 आत्माओं की निशानी होगी तो चारों सब्जेक्ट में तीखे होंगे। ज्यादा सेवा की होगी तो माला के मणके बनेंगे। प्रजा ज्यादा सेवा करती है कि राजाएं ज्यादा सेवा करते हैं? है? जो राजा बनने वाले हैं वो ज्यादा सेवा करते हैं। राजाई किस आधार पर बनती है? सेवा के आधार पर। अभी मुझे में बोला है तुम बच्चों को बहुत खुशी होना चाहिए क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत कमाई हो रही है और यहाँ झूठे वगैरह आते हैं तो इसका मतलब ज्ञान की जो धारणा है वो कमी है। है? तो इसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। पवित्र खाना चाहिए। हाँ, पवित्र खाना चाहिए। तो आज ये सारे पांचों तत्व पवित्र है तो फिर पवित्र किस को है? पांचों तत्व ही पवित्र है। हाँ, पवित्रता कौन सी चीज हो रही है? बनाओ पवित्र। योग बल से पवित्र बनता है या नहीं बनता है? अरे बनता है तो बनाओ। अपने हाथ से खेती करेंगे तो पवित्र अन्न उगाएंगे या दूसरों के हाथ से जो खेती कर रहे हैं अज्ञानी हैं, लगातार यूरिया लगाते चले जा रहे हैं वो पवित्र अन्न उगाएंगे? है?
मछली भी उत्पत्ति हो रही है बगैर इसे खाद के लिए भी नहीं देती। हाँ हाँ, तो खाद के लिए तो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं ना। तो इसके अंदर भी ये नाइट्रोजन ये वो पड़ती है तब पैदा कर देती है, तब अन पैदा करती है। हाँ जी, तो पूछता हूँ अनाज के अंदर भी। हाँ हाँ, तो उसको चेंज करने से ही चेंज होगा या अपने आप चेंज हो जाएगा? कैसे किया जाए? खेती है, खेती हमने बटाई पे दे दी, तो बटाई वाला जो है वो उसमें ऑर्गेनिक खेती करेगा या ज्यादा फसल उगाएगा और यूरिया डालेगा? ये तो यूरिया डालेगा, अपना हाथ जगन्नाथ। भाई का मतलब बाबा, जिसकी खुद की जमीन है वो भी तो कोशिश करता है, किसान भी पूरी है ज्यादा फसल लेने की। हाँ, तो वो ईश्वरी के सेवा में लगाए ना, काहे के लिए पैसा कमाता है। सेवा में फूलवाते हैं बाबा, सेवा लगाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए धरती ना हम नहीं लेते है। ऐसी कोई बात नहीं है कि करने से भी नहीं होता है। भगवान तो बिंदी है, उसको तो हाथ पांव नहीं है, वो क्या छूमंतर गाली कर देगा जो स्वर्ग बन जाएगा? पांच तत्व पवित्र बन जाएंगे? अरे सामूहिक योग से ही पांचों तत्व पवित्र बनेंगे या अकेले शिव से पांचों तत्व पवित्र बन जाएंगे? अकेला चना भार फोड़ सकता है क्या? नहीं, सभी आत्माएं मिलकर के पुरुषार्थ करेंगी तो पुरुषार्थ में सफलता जल्दी होगी। संघौ शक्ति कलौ युगे, ये कलयुग की खासियत है कि संगठित होकर के जो काम किया जाता है उसमें जल्दी सफलता मिलेगी। मुझे बोले जैसे गीता पाठ शहर से बाहर हुई थी या एकांत में जैसे, वो तो माउंट आबू में जब मुरली चली उस समय की बात है। और हमारी तो वैसे भी शहर के बाहर है, हमारे वाइब्रेशन में और दुनिया में जो चारों ओर रह रहे हैं उनके वाइब्रेशन में फर्क है या नहीं है? हैं? बहुत फर्क है। उनके वाइब्रेशन से हमारे वाइब्रेशन कोसों दूर है, तो हमारी गीता पाठशाला दूर है उनसे या नजदीक है? हमारे वाइब्रेशन को पकड़ ही नहीं सकते। उनके गंदे वाइब्रेशन को हम पहचानते हैं लेकिन हमारे वाइब्रेशन को वो नहीं पहचानते। तो हमारी गीता पाठशाला उनसे बहुत दूर है। जैसे गलत दृष्टि देते हैं, दृष्टि लेने वाला तो निर्भर है, लेने वाला दृष्टि तो बाबा देते हैं। हाँ, तो ऐसे कैसे मानते हैं पैसा को बराबर दृष्टि मिलती है? दृष्टि बाबा जब देते हैं हाँ, तो वो लेने वाला तो निर्भर ज्यादा दृष्टि लेने की बात है या सबको बराबर मिलती है? कनेक्शन दोनों तरफ से मिलेगा तो रिजल्ट आएगा या एक तार मिलने जा रहा है दूसरा तरफ दूसरी तरफ जा रहा है तो मिलेगा? दोनों तरफ से मिलेगा। एक आंखें बंद करके बैठा है दूसरा आंखें खोल के बैठेगा तो कनेक्शन जुटेगा नहीं जुटेगा? एक आत्मिक स्थिति में बैठा है और दूसरा देहभान में बैठा है तो कनेक्शन जुटेगा नहीं जुटेगा? अंदर बाहर एक होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? एक होना चाहिए। अंदर जिसके गम भरा होगा वो बाहर से भी दिखाई देगा, बाहर से कोई गम दिखाए और अंदर से कुछ दूसरा हो
तो वो तो शकुनी जैसा रोना हो गया कि पांडव लाखा भवन में आग लगा दी गई और फिर उसके बाद शकुनी जी महाराज धृतराष्ट्र के सामने रोना रो रहे। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब राजी नहीं होगा। बाबा पहले तो मुरली में ये भी कहा था कि भाई रोना नहीं है, नहीं तो कमजोर आत्माएं हैं। बिल्कुल सही बात, भगवान बाप आया हुआ है तो रोना क्यों? ये रोने की दुनिया है बना रहा है भगवान या हंसने की दुनिया बना रहा है? हैं? रोने का युग है या मौज मनाने का युग है? मौज मनाने का युग है। अभी तो ये बात हो रही है कि भाई कोई दिल में कचरा हो या कोई परेशानी हो, कोई बात है तो रो देना चाहिए, उससे मन हल्का हो। ये कोई बात नहीं, पाप कर्म किया है उसके लिए रोना है, तो उसके लिए पश्चाताप करना है। बार बार लिख के देने से थोड़ा पाप होगा। फिर बार बार लिख के, तुमने लिख के दे दिया और परिवर्तन कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर गम बिल्कुल नहीं आया कि मैंने गलत काम किया, तो लिख के देने से क्या फायदा? एक बार लिख के दे देंगे, पहली बार माफ हो जाएगा, फिर दूसरी बार तुमने ऐसे ही लिख के दे दिया तो थोड़ा ही माफ हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगी। कल काम करो मत तो जो देखे बाकी कोई छोड़ नहीं है। देखो वाला बाबा गीता पाठी ब्राह्मण कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? गीता पाठी ब्राह्मण का अर्थ यह है कि हम भगवान की सुनाई हुई गीता का पाठ सुनाने वाले हैं। भगवान ने प्रैक्टिकल में आकर के जो प्रैक्टिकल में गीता ज्ञान सुनाया है, हम वो पाठ मनुष्य आत्माओं को पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। क्या हम दुनियावी धंधा नहीं कर रहे हैं? कौन सा धंधा कर रहे हैं? ब्राह्मणों का धंधा कर रहे हैं। ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो फिर बताना है ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक ईश्वर से आता है और अज्ञान, अज्ञान रावण से आता है, मनुष्यों से आता है, शास्त्रों से आता है। जो बच्चे अभी ज्ञान तो सुन रहे हैं ज्ञान सूर्य से और खुद के पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है, वो अंत तक संपन्न बनकर सतयुग में आएंगे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, लेकिन पद है, पद कम हो जाएगा। बाबा भक्ति मार्ग में शिवलिंग पर जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, जो मिठास चढ़ाई जाती है, उसे सिर्फ योगी ही खा सकते हैं, ऐसे मान्यता है। जो भोगी हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, योगी किसे कहा जाता है? योगी उसे कहा जाता है जो कर्मेंद्रियों से कर्म तो करे, लेकिन उस कर्म का फल न खाए, भगवान को अर्पण करे, अर्थात बाबा की याद में रहे। मन कहां रहा? मन कहां रहा? याद में रहा। और इंद्रियों ने भोग लगा, भोग खाया, तो उसका फल पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हैं? अरे कितनी बार मिसाल दिया है,
कि कोई रास्ते में जा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, अपनी महबूबा को याद कर रहा है। कोई ने उससे पूछा तुमने रास्ते में किसको किसको देखा, वो कहता है हमने अपनी महबूबा को रास्ते भर देखा, हमने किसी को देखा ही नहीं। तो दिल कहां लगा रहा, मन लगा रहा महबूबा में, तो कोई आंखों से दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे ही आंखों की जगह और इंद्रियों को रख दो। क्या इंद्रियां अपने भोग को नहीं ग्रहण करेंगी? अगर मन बाप की याद में लगा हुआ है तो, और बाप की याद भी व्यभिचारी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आप भी विचारी याद होनी चाहिए। ऐसी स्टेज बाबा कब तो पी सकती है नंबर वार जैसे है? ऐसी स्टेज जैसे बाप की है वैसे बच्चों भी हो सकती है नंबर वार? क्या नंबर वार बच्चे हैं? नहीं है? विनाश के समय जो आत्माएं 4-6 महीने की होंगी, अरे विनाश का टाइम क्या थोड़े समय का होगा या लंबे समय का होगा? है विनाश भी 2 तरह का बताया है, एक महाभारी महाभारत गृह युद्ध जिसमें खून की नदियां बहेंगी, कड़ा विनाश होता है भारत में, उसका नाम है महाभारत। और उसके बाद चतुर्थ विश्व युद्ध है जिसमें सभी देश कूद पड़ेंगे, एटमिक विनाश होगा, सारी दुनिया लौटपट हो जाएगी, एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ने से सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, और सागर का पानी खौल उठेगा। उससे भाप उठेगी, उस भाप से मूसलाधार कई दिन तक बरसात होगी। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो फट करके समुद्र में आ जाएंगे। तो समुद्र का स्तर ऊंचा उठेगा या नहीं? है ऊंचा उठ जाएगा। ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं सब डूब जाएंगे, सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाएगी। भारत का छोटा सा भूखंड बचेगा। तो विनाश होने में टाइम लगेगा या थोड़ा समय होगा? टाइम लगेगा, प्रत्यक्षता होगी और बिना शुरू हो जाएगा, होगा फिर बंद होगा, फिर होगा फिर बंद होगा, ये चक्र चलता रहेगा। कभी एक बड़े शहर में बम गिरा, फिर दूसरे शहर में बम गिरा, फिर किसी दिन तीसरे शहर में बम गिरा, एक एक करके सारे बड़े बड़े शहर धराशायी होते जाएंगे। और आखिरी 5-7 रोज के अंदर सारा खेल खलास, जैसे दीपावली मनाते हैं सारी रात पटाखे फोड़ते रहेंगे और आखिरी में जितने भी पटाखे बचेंगे सारे एक साथ फोड़ देते हैं।
ऐसे दुनिया का बम फटाका हो जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि चार छह महीने के लिए ही चलेगा। हाँ ये कहेंगे कि अंतिम समय में जो आत्माएं उतरेंगी वो कीड़े मकोड़े मिसल होंगी। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं थोड़ी उम्र के होते हैं, वो वाइब्रेशन से ही अपना वर्षा ले लेंगे। जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये मनुष्यों के योग युक्त वाइब्रेशन से ही चेंज हो जाएंगे। वाइब्रेशन से उनको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनुष्य आत्माएं होंगी, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनकी भी परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। जिन शहरों में शहरों का विनाश होगा और जहाँ बाबा बाबा के घर बने हुए हैं, मनोरंजन बने हुए हैं, तो वो वहां से फिर तो रहेंगे उनका क्या होगा या बच जाएंगे? साकार परमधाम में जाना है या नहीं जाना है? लास्ट की बात है, लेकिन धीरे धीरे विनाश। एक होता है लोहे की दुनिया, लोहे के बंधन, एक होता है सोने की दुनिया, सोने के बंधन। तो दोनों ही बंधनों को तोड़ना है या सोने की दुनिया में मस्त हो जाना है? है ये जो मिनी मधुवन आदि बन रही हैं, ये क्या है? है ये सोने की दुनिया बन रही है मनसा के अंदर। इससे भी परे जाना है या इसी में लटक जाना है? इससे भी परे जाना है। आखिरी तो इस साकार सृष्टि पर परमधाम उतार लेंगे। तो अच्छा एक बात बाबा, ये विनाश होएगा, धीरे धीरे विनाश होएगा, तो ये मान लो मिनी मधुवन खुद रहे हैं जगह जगह, दुनिया का विनाश होएगा, ये तो बचेंगे क्या अभी? है ये तो बचेंगे नहीं? बचेंगे वो तो पूरा विनाश तो सतीश में होएगा। ये ब्राह्मणों की दुनिया है, ब्राह्मणों की दुनिया में जो होगा वही बड़ी दुनिया में होगा या कुछ दूसरा होगा? है ब्राह्मणों की दुनिया में जो शूटिंग हो रही है वो बाहर की दुनिया में भी शूटिंग होगी। बाहर की दुनिया टोटल खलास होगी या नहीं होगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया भी अभी से ही लगाव लगाना शुरू कर देंगे तो कैसे चलेगा? मिनी मंदिर में जगह जगह माँ के बाहर की दुनिया खिलने के टूट रही है, ये मिनी मदन मंदिर बन रहा है बड़ा, तो ये तो रहेंगे ना अभी 36 तक? सन 36 में आखिरी विनाश होगा 5-7 रोज का एटम बमों से, इकट्ठे बम फोड़ देंगे गुस्से में आकर के। तो माउंट आबू रहेगा या वो भी धराशायी हो जाएगा? माउंट आबू का पहाड़ भी गर्त में समा जाएगा, तो मिनी मधुवन कहाँ से रह जाएंगे? मरेंगी तो इनका धर्मराज लेखा तो सब कैसे लेगा एकदम? भारत में छोटे छोटे राज्य थे तब लेखा जोखा लिया जा रहा था कि नहीं? है लिया जा रहा था। अभी सारे भारत में एक राज्य है तो लेखा जोखा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? ऐसे ही सारी दुनिया में बड़ी गवर्नमेंट होगी। बाबा कहते हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट से बड़ी कोई गवर्नमेंट होती ही नहीं। तो सारी दुनिया का लेखा जोखा होगा। ऐसे अनिश्चय में नहीं रहना, ये तो सब झूठी बातें हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ओम शांति। बस 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 बस, बस।